आज मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिस आप कितना देर कर सकते हैं। आज स्पेशली बात करने वाले हैं बैट्समैन के ऊपर। एक बैट्समैन को एक दिन में मिनिमम 1000 बॉल खेलने ही हैं। 1000 बॉल का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा बैट्समैन बन पाएंगे। एक अच्छा बैट्समैन बनने के लिए आपको 5 से 6 घंटे आपको ग्राउंड में देने ही पड़ेंगे, खास करके जो लर्नर है। अगर आप एडवांस स्टेज पर चले जाएंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिस थोड़ी कम होती है, लेकिन वहाँ पे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहना पड़ता है। लेकिन आप बिगनर हैं, आप सीख रहे हैं और आप अच्छे तरीके से क्रिकेट को खेलना चाहते हैं, अपने क्रिकेट जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना अच्छा वक्त अपने प्रैक्टिस में देंगे, आप उतना ही अच्छा बैट्समैन बन पाएंगे। बैट्समैन बनने के लिए आपको हर दिन शॉट्स प्रैक्टिस करने होंगे। आपको याद रखना होगा कि आप कौन कौन से शॉट को खेल सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप चाहे कोई आप 4 से 5 शॉट सेलेक्ट कर ले जो आपको अच्छी तरीके से खेलना आता हो, या फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से 2-3 शॉट ही आते हैं और आपको 2-3 शॉट सीखनी है, तो उसके हिसाब से जो पहले आपको आता है उसको आप हर एक दिन, मतलब एक दिन में आपको एक शॉट का 1000 टाइम्स प्रैक्टिस करना होगा। मतलब 1000 बॉल्स जो होते हैं वो आपको खेलनी होगी एक दिन में, तभी जाके आप उस शॉट को परफेक्ट बना पाएंगे। क्रिकेट में कोई भी शॉट परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन उसमें आप जब शॉट खेलेंगे तो उसमें आप अच्छी तरीके से उस शॉट के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। ये बिगनर्स के लिए है। जो लर्नर है, जो एडवांस है, वो जब वो बैटिंग करते हैं एडवांस वाले, तो वो नीचे से ही उठ के जाते हैं, तो उनको पता है कि कब कितना कैसे प्रैक्टिस करनी है, कितना देर तक करनी है। जब एडवांस अब चले जाएंगे, ऊपर की ओर चले जाएंगे आप जब खेलेंगे, तो वहाँ पे आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर कम प्रैक्टिस भी करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है, वहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आप लर्नर हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको इस तरह से फांकी नहीं मारनी होगी कि नहीं आज प्रैक्टिस की है कल नहीं करनी है, आज कम बॉल खेले हैं तो कल ज़्यादा खेलेंगे। ये कल पे कुछ नहीं छोड़ना है, जो करना है आज करना है, प्रेजेंट में हमेशा रहना। स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब ये होता है प्रेजेंट में जीना। ये रियल लाइफ नहीं है कि बैटिंग कर रहे हैं उसमें गलती हो गई तो कट करके उसको सही कर सकते हैं, नहीं, ये रियल लाइफ है। और रियल लाइफ में एक बार जो बैटिंग के टाइम पे गलती हो जाते तो हम लोग आउट हो जाते हैं, या फिर नेट्स में जब बैटिंग करते वो गलती अगर बढ़ती है तो वो बढ़ते चली जाती है। तो आपको एक अच्छा बैट्समैन बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा आप अपना वक्त देंगे प्रैक्टिस में, उतना ही अच्छा आप एक अच्छा बैट्समैन बन पाएंगे। एक अच्छा बैट्समैन के लिए कोई मंत्र नहीं है, या फिर कुछ ऐसा नहीं कि घोल के पिला दिए और आप एक अच्छा बैट्समैन बन जाएंगे, नहीं। आपको प्रैक्टिस ही एक ऐसा चीज़ है जो आपको बना सकता है, एक अच्छा बना सकता है। तो प्रैक्टिस जितना हो सके आप करें, जितना ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा है। तो ये बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, सर कितना देर प्रैक्टिस करनी चाहिए? तो प्रैक्टिस मिनिमम एक प्लेयर को, अगर वो बैट्समैन है, तो 6 से 7 घंटे आपको एक दिन में देने ही होंगे, तभी जाके आप एक अच्छा बैट्समैन बन पाएंगे। एक अच्छा बैट्समैन बनने का यही एक तरीका है, हार्डवर्क। सिर्फ और सिर्फ आप 200 बॉल या नेट्स में 20 मिनट बैटिंग करके, 10 मिनट बैटिंग करके प्लेयर नहीं बन पाएंगे। ये आपको एडवांस जब लेवल में जब पहुंच जाएंगे, जहां पे सिलेक्टेड प्लेयर्स जो होते हैं, जो जैसे स्टेट हो गया या फिर कंट्री का हो गया, तो आपको वहां पे कम बैटिंग करने को मिलेगा। वहां आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको स्ट्रांग किया जाता है, तो वहां पे आप कम प्रैक्टिस करके भी आगे जा सकते हैं। लेकिन जब आप लर्नर हैं, बिगनर हैं, तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने प्रैक्टिस को ब्रेक देते हैं तो फिर आपका जो रिदम है ना प्रैक्टिस करने का, वो डाउन हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर। अगर आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा तभी आप 6 घंटे 7 घंटे प्रैक्टिस कर पाएंगे, तभी आप जाके एक दिन में 1000 बॉल खेल पाएंगे।
आप भी बैट्समैन हैं और दूसरा भी कोई बैट्समैन है, सब एक ही एवरेज का बैट्समैन है, तो वो भी 500 टू 700 एक दिन में नॉकिंग कर रहा है और आप भी वो चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आप बीट नहीं कर पाएंगे। आपको अलग करना होगा, कुछ अलग। अलग मीन्स आपको ज़्यादा बॉल खेलना, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रहे कि आपको 1000 बॉल मिनिमम करनी ही है। और जब आप नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एक घंटे दो घंटे बैटिंग कंटिन्यू करना है, उसमें ब्रेक लेना है एक मिनट दो मिनट का पानी पीने का, लेकिन आपको बैटिंग करके वो फोकस, वो डिसिप्लिन बैटिंग में, वो पेशेंस, वो पावर चाहिए बैटिंग में, जो कि हम कंटिन्यू दो घंटे तीन घंटे बैटिंग कर सकें। ये आप भी जानते हैं कि एक सेंचुरी करने के लिए आपको मिनिमम वनडे अगर खेल रहे हैं तो दो घंटे के आसपास लगते हैं, वनडे अगर खेल रहे हैं तो। या फिर अगर आप डेज मैच खेल रहे हैं तो उसमें आपको मिनिमम तीन घंटे लगते हैं। T20 ये एक शॉर्ट फॉर्मेट है, इसमें आपको सिर्फ आपको मारना है, लेकिन इसमें भी है कि आप 100 रन करने के लिए मिनिमम आपको एक घंटा 20 मिनट तो लगता है। एक घंटा तो आप मान के पकड़ लें 60 मिनट, मतलब 13 से 14 ओवर होते हैं, 15 ओवर होते हैं, T20 में 12 ओवर ही होते हैं इतने टाइम में, तो उसमें भी आपको उस टाइम तो और ज़्यादा स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, डिसिप्लिन, डेडिकेशन उसमें और चाहिए, क्योंकि जितना फॉर्मेट शॉर्ट होगा उतना ही ज़्यादा आपका पावर यूज़ होगा, उतना ही ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी हाई होगी। तो जब इंटेंसिटी हाई होगी तो आपका फिजिकल फिटनेस लैक करेगा, इसलिए फिजिकल फिटनेस के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब बैट्समैन है तो आपको हैबिट बनानी है कि हम एक घंटा नेट्स में बैटिंग कर सकते हैं कि नहीं। और जब आप बैटिंग करते हैं नेट्स में तो सोचें कि आपको आउट होने की ज़रूरत नहीं, जितना हो सके आउट ना होने की कोशिश करें। अच्छा बॉल गिर गया, आउट हो गया, नो डाउट, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने मन से मतलब मार के आउट हो रहे हैं, जो मारने की बॉल नहीं आप उस पर मार के आउट हो जा रहे हैं, तो वो फिर आप वो प्रैक्टिस आपके काम में नहीं आएगा। अच्छे बॉल पे आउट हो जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको प्रैक्टिस ही उसी तरह से करनी है जब आप नॉकिंग करते हैं, जब आप नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं। तो कोशिश करें कि आप जब बैटिंग करते हैं तो हर बॉल आपके मिडिल ऑफ द बैट, प्रैक्टिस में, मैच में एज लगेगी, इधर जाएगी उधर लगेगी, कोई बात नहीं, मैच में तो डिफेंस भी करते हैं तो एज लग के थर्ड मैन पे फाइनल लेग पे चौका हो जाती है। जब मैच खेलते हैं तो वहाँ पे ड्राइव मारते कहीं और चली जाती है और चार रन भी मिल जाती है, तो वहाँ रन बनेंगे, वहाँ आपको 22 यार्ड्स के बीच में कोई सिखाने नहीं आएगा आपको, ना ही वहाँ पे कोच जाएगा, ना ही आपका सीनियर प्लेयर जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वहाँ पे गाइड कर सकता है आपका नॉन स्ट्राइकर, जो नॉन स्ट्राइक पे खड़ा होकर आपको हर एक चीज़ देख रहा हो वो आपको थोड़ा वहाँ पे गाइड कर सकता है। लेकिन जब आप बैटिंग करेंगे तो वहाँ पे कोई आपको गाइड नहीं करेगा, वहाँ अपने मन से जैसे चाहें वैसे खेल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में आप जैसे चाहें वैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं, एक अच्छे तरीके से एकदम मिडिल ऑफ द बैट खेल के जितना हो सके फोकस। जब आप नॉकिंग करते हैं तो फोकस उसमें हार्ड होनी चाहिए, जितना अच्छा फोकस होगा ना आपका उतना अच्छा आप बैट्समैन बनेंगे। ये नहीं कि एज लगी तो फोकस नहीं किए, अगर एज लग रही है तो आप उसे फोकस करें, वेरी नेक्स्ट बॉल पे ही आपको इतनी हार्ड फोकस होनी चाहिए कि जो बॉल एज लगी है उसको नेक्स्ट टाइम हम जब उस बॉल को खेलें तो मिडिल ऑफ द बैट खेलें। ये होती है प्रैक्टिस करने का तरीका। प्रैक्टिस जितना आप जितना एकदम कंसिस्टेंट रहेंगे प्रैक्टिस को लेके, जितना अच्छा आप अपने आप को समय देंगे उतना ही ज़्यादा आप एक अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे। तो ये आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि एक प्रैक्टिस करने के लिए कितना देर तक आपको बैटिंग करने की ज़रूरत है, कितना देर तक आपको नॉकिंग करने की ज़रूरत, कितना बॉल नॉकिंग करने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है, हम सब तो यही चाहते हैं ना कि एक अच्छा बैट्समैन बने, तो एक अच्छा बैट्समैन चलेंगे तो आपको सेक्रीफाइस भी थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा नींद में थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कहीं इन्विटेशन आता है वहाँ से थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ये सब सेक्रीफाइस हैं।
कहीं पार्टी नहीं कर रहे हो, आप लर्नर की मैं बात करूँ, जब लर्नर बिगनर जो होते हैं ना, ये उस टाइम जितना ज़्यादा आप जो चीज़ खेलेंगे ना वो आपके ब्रेन में बैठता चला जाएगा। अगर इस टाइम प्रैक्टिस के टाइम पे अगर आप पार्टीज करते हैं या फिर घूमने जाते हैं या फिर किसी के बर्थडे में या फिर शादी में आप ज़्यादा वक्त उधर देते हैं, तो फिर आप एक अच्छा बैट्समैन नहीं बन पाएंगे। आप देखेंगे जितने भी सक्सेसफुल मैन हैं, जितने भी सक्सेसफुल क्रिकेटर हैं, वो ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके ही वहाँ तक पहुँचे हैं। जो सेक्रीफाइस करता है वो आगे की तरफ जाता है। इसलिए तो हम लोग बोलते भी हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मीन्स कि जब हम अपने मतलब खुशी को, जैसे कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो उसको त्याग कर रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं, किसी के बर्थडे में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कोई फ्रेंड है या अपने फैमिली में है, तो वहाँ पे 10 दिन जाके पार्टी नहीं करना है। कहीं पे अपने फैमिली में कहीं मैरिज हो तो वहाँ पे 10 दिन जाके इन्वॉल्व नहीं होना, 1-2 दिन इनफ है, 3 दिन इनफ है। लेकिन आपको फिर वापस प्रैक्टिस पे आनी है। अब जितने भी बड़े स्टार को देख लें, चाहे वो फिल्मी दुनिया के बात कर लो, चाहे आप स्पोर्ट्स में जितने भी स्टार हैं उनकी बात कर लो, वो लोग ज़्यादा वक्त पार्टीज़ में नहीं देते हैं। हाँ, जब वो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे उनको थोड़ा कम प्रैक्टिस करनी होती है बोल के वो थोड़ा सा इधर उधर पार्टी करते हैं, लेकिन हर पार्टी में वो नहीं जाते हैं। उनको लगता है कि इस पार्टी में गए और एक दिन में ख़त्म हो गई तो जाते हैं और वो वापस आते हैं। तो उसी तरह से आपको भी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, डेडिकेशन लाने की ज़रूरत है। जितना कंसिस्टेंट होना चाहिए आपको, उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत है, तभी जाके आप एक अच्छे प्लेयर बन पाएंगे, एक अच्छे बैट्समैन बन पाएंगे। तो ये वीडियो में आप देख रहे हैं जो प्रैक्टिस की जा रही है वो एक तरह से प्रैक्टिस की जा रही है, इसमें कंटिन्यू 100 बॉल एक शॉट को खेली जा रही है। मैं इस वीडियो में 2-3 ही शॉट्स के बारे में मैं जिक्र किया हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा वो सिर्फ और सिर्फ लर्नर और बिगनर जो होते हैं, तो आपको पहले शॉट्स, अगर बैट्समैन है तो आपको शॉट्स आपको सेलेक्ट करने हैं कि 4 से 5 ही शॉट मुझे खेलने हैं। वो 4 से 5 शॉट कौन है, और आप उस शॉट को अपने ब्रेन में रख के और उसी शॉट को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन में एक ही शॉट को 1000 बॉल से प्रैक्टिस करना है, तभी जाके वो आपके मेमोरी में बैठेगा। आप सोचेंगे कि एक दिन में हम 4 से 5 शॉट का प्रैक्टिस करें, तो उससे आप प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन वो आप जल्दी सीख नहीं पाएंगे। अगर आप 1 महीना तक 5 शॉट को, कोई 5 शॉट आप सेलेक्ट कर लें और 1 महीना तक आप 1 शॉट को 1000 बॉल 1000 टाइम्स बॉल अगर आप खेलते हैं एक दिन में एक शॉट के लिए, तो वो शॉट डेफिनेटली थोड़ा ना थोड़ा करेक्शन होगा, थोड़ा ही सही लेकिन परफेक्शन आएगी आपके शॉट में, और शॉट के साथ साथ में आपकी बॉडी भी अडॉप्ट करेगी कि आप 1 घंटा एक शॉट को खेल रहे हैं और पेशेंसली आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो ये आपके मसल मेमोरी में बैठता चला जाएगा। हर एक दिन आपको बस, जैसे आज कोई भी एक शॉट ले, जैसे आज फ्रंट फुट मुझे शॉट मारनी है कवर ड्राइव, तो आपको 1000 बॉल से कवर ड्राइव शॉट प्रैक्टिस करनी है। फिर अगला दिन आपको डिफेंस प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा कड़ी है जो आपको लंबा इनिंग दे सकता है। डिफेंस जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज़्यादा विकेट पे स्टे कर पाएंगे, उतना ही लंबा इनिंग खेल पाएंगे, इसलिए डिफेंस भी आपको सीखने की ज़रूरत है। तो आपको डिफेंस भी सीखना है 1000 बॉल, फिर उसके बाद कट शॉट आप जरूर रखें, पुल शॉट भी अपने में जरूर रखें, तो हर एक दिन आपको बदलना है। और एक शॉट है जो फ्लिक, जो ऑफ स्टम या फिर मिडिल स्टम वाली बॉल को फ्लिक मारना सीखे। और भी एक्स्ट्रा आप सीखना चाहते हैं तो स्वीप का प्रैक्टिस कर लें या फिर ओवर द कवर प्रैक्टिस कर लें, और लॉन्ग हिटिंग का प्रैक्टिस आप जरूर करें, क्योंकि आप लॉन्ग हिटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आप लंबे लंबे हिट मार पाएंगे। जब ज़रूरत होगी टीम को तो आप लंबे लंबे हिट मार पाएंगे। तो इस वीडियो में आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो आप इस तरह से ज़रूर प्रैक्टिस करें ताकि आपका आने वाला क्रिकेट लाइफ अच्छी हो सके।
और अच्छे बैट्समैन आप बन पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।